हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल इज वेल विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल. सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कॉन्ट्रोवर्सल है. टूडे इन दिस वीडियो आई विल मेक यू परफेक्ट इन ए GD ग्रुप डिस्कशन. द टॉपिक नेम इज टाइम वर्सेस मनी, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. वॉट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ में टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो गाइज, एज आई टोल्ड यू, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉन्ट्रोवर्सल फॉर ऑल ऑफ यू. प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो, एंड जस्ट फाइंड आउट विच इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम और मनी. एज वी ऑल नो दैट गाइज, बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंसेस and which is more important. And finally, there will be conclusion and I will tell you my personal opinion. Just start. तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, first of all, I'll tell you what are the points in favor of time. Time के favor में कौन कौन से points हैं. First of all, I'll tell you what is time. Time क्या है? तो I just want to tell you guys, time is a period of minutes, hours, days, etc. Time एक समय अवधि है जो एक minutes, hours और days, months, years, जो कि ये समय बीतता जा रहा है. You know very well, time can be divided in three category: past, present and future. What are the points in favor of time? The first point in favor of time is that time is more valuable than money. Guys, time बहुत ज़्यादा valuable है, बहुत ज़्यादा कीमती है पैसे की अपेक्षा. Because money can be earned again, but time once lost can't be regained again. लेकिन जो बीता हुआ समय है वो वापस कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता. Once time passed, never come back. You know very well. That's mean, इसका मतलब ये होता है guys, in other words, we can say, time once gone is gone forever. एक बार जो समय चला गया वो हमेशा के लिए चला गया. इसलिए time is very valuable. You know, guys, second point in favor of time. Time के पक्ष में दूसरा point क्या है? With the proper use of time, we can make a lot of money. But with money, we can't purchase the lost time. जैसा कि आप जानते हैं, समय का सदुपयोग करके हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी. आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. वी कांट परचेज, लेकिन मनी के द्वारा हम अपना बीता हुआ समय वापस नहीं खरीद सकते. दुनिया का कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, वो अपना बीता हुआ समय वापस नहीं खरीद सकता. सो टाइम इज बिगर देन मनी. इसलिए ये कह सकते हैं दोस्तों, टाइम मनी से कहीं बड़ा है. गाइस, नंबर थ्री पॉइंट इन फेवर ऑफ टाइम, टाइम के पक्ष में तीसरा पॉइंट क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइम नेवर मेक्स डिस्क्रिमिनेशन अमंग पुअर, रिच, वीक, स्ट्रॉन्ग पीपल. समय कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता दोस्तों, भेदभाव नहीं करता. चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे वीक हो, चाहे स्ट्रोंग हो, सभी के पास सेम टाइम है.
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट बिहेव्स सेम विद ऑल, समय सबके साथ बराबर बर्ताव करता है, कोई भेदभाव नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता. यू नो गाइज, एवरी वन हैज अ लिमिटेड टाइम, ओनली 24 आवर्स इन अ डे. सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स. चाहे रिच पर्सन हो, चाहे पुअर पर्सन हो, चाहे कैसा भी पर्सन हो, सबके पास 24 आवर्स हैं. इक्वलिटी है, इक्वलिटी, यू नो. बट मनी क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड क्राइम. लेकिन जो पैसा होता ना, वो भेदभाव करता है. पैसों की वजह से क्राइम भी ज़्यादा होते हैं, यू नो. तो मनी इज अ क्राइम. पैसों से क्राइम हो जाता है, ईगो हो जाता है इंसान में, और पैसों से सेल्फिशनेस वाली फीलिंग आ जाती है. तो मनी एक क्राइम की तरफ ले जाता है इंसान को. तो टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो गाइज, लेट्स मूव अहेड. नंबर 4 पॉइंट इन फेवर ऑफ टाइम, टाइम के पक्ष में नंबर 4 पॉइंट ये है, टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर अस. टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है हम सब के लिए. नो वन कैन स्टॉप एंड परचेज द टाइम. इस दुनिया में कोई भी इंसान समय को ना तो स्टॉप कर सकता है और ना ही उसको परचेज कर सकता है, ना रोक सकता है, ना खरीद सकता है. यू नो गाइज वेरी वेल, वी हैव टू स्पेंड टाइम फॉर अर्निंग मनी. पैसे कमाने के लिए भी हमें अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है. जैसे कि आप कहीं पर 8 आवर की जॉब करते हैं, तो 8 आवर आप देंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी, यू नो. तो गाइज, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इन फेवर ऑफ टाइम इज दैट मेनी रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी बट नो टाइम फॉर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिच पीपल हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपनी रिलेटिव्स के लिए, और यहाँ तक कि अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं होता. बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं. स्पेंडिंग टाइम इज अ नेसेसिटी फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप. जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एक अच्छा रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमें अपना समय देना होता है. यदि कोई इंसान आपको अपना समय दे रहा है, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ दे रहा है आपको, आप जानते हैं. बट मनी मेक्स अ मैन ग्रीडी, सेल्फिश एंड इकोइस्ट. लेकिन पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है और अहंकारी बना देता है. तो गाइज, दीज 5 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ टाइम. तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पैसा. तो पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, यू नो. तो पैसे की बात करते हैं. पैसा भाई, पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं. मनी इज नॉट गॉड बट नॉट लेसर देन गॉड. अब बात करते हैं पैसे की, पैसा. अब बात करते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ मनी, पैसे के फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज मनी. मनी क्या है? आई थिंक दैट मनी इज अ मीडियम of exchange for various goods and services. Money, जो एक धन संपदा, जो भी पैसा आप जो भी समझो, वह एक प्रकार का एक्सचेंज होता है. उसकी जगह हम कोई भी गुड्स, सामग्री या सर्विसेस प्राप्त करते हैं. पैसा होगा तो आप मार्केट से कोई ना कोई गुड्स, कोई भी सामान खरीद सकते हैं और कोई भी सर्विसेस आप ले सकते हैं. पैसा नहीं तो कुछ नहीं, यू नो. द फर्स्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ मनी इज दैट मनी इज बिगर देन टाइम, बिकॉज बाय मनी
वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। मनी पैसे से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मनी के द्वारा हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विजिट एनी वेयर बाई फ्लाइट, देन वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम बाई मनी। यदि हम कहीं पर भी यात्रा करते हैं और फ्लाइट से करते हैं, तो हम अपना बहुत ज़्यादा समय को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विजिट फ्रॉम जयपुर टू मुंबई। अगर आप जयपुर टू मुंबई जा रहे हैं तो आप फ्लाइट में जा रहे हैं, तो विद इन हाफ एन आवर यू मे रीच, ओके। लेकिन वही आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो 8 आवर 10 आवर आपको धक्का खा के जाओगे। तो आप फ्लाइट से पैसा देकर अपने समय को बचा सकते हैं। अंडरस्टैंड। नंबर टू पॉइंट इन फेवर ऑफ मनी इज दैट एट प्रेजेंट टाइम वेयर लाइफ हैज बिकम वेरी कॉस्टली, सो मनी इज ग्रेटर देन टाइम। दोस्तों, आज का जो जीवन है बहुत महंगा हो गया है। हर जगह महंगाई महंगाई महंगाई। इस महंगाई में अगर बात करें, पैसा होगा तभी आप जिंदगी को सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए पैसा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैसा ग्रेटर है टाइम से। मनी मेक्स आर लाइफ कंफर्टेबल, एंजॉयबल एंड लग्जूरियस। पैसे से हमारी जिंदगी कंफर्टेबल होती है, आरामदायक होती है, आरामदायक, एंजॉयबल, मस्ती, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और पैसा होगा तो लग्जूरियस, विलासपूर्वक जिंदगी जी पाएंगे। पैसा होता कार आएगी, पैसा होगा तो बंगला होगा, सब कुछ होगा। यू नो व्हाट इज यूज ऑफ टाइम विदाउट मनी। एक ऐसा इंसान जिसके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन पॉवर्टी में पड़ा है, पैसा नहीं है, तो क्या जिंदगी है। यू नो नंबर थ्री पॉइंट इन फेवर ऑफ मनी, मनी के पक्ष में नंबर थ्री पॉइंट ये होता है दोस्तों, वी रिक्वायर मनी फॉर गुड फूड, क्लोथ्स, हाउस, हाई एजुकेशन, मेडिसन्स, ट्रैवलिंग एटसेट्रा। पैसों की ज़रूरत होती है कहाँ कहाँ पर, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनावे के लिए, अच्छे घर के लिए, और एजुकेशन के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, और मेडिसन्स के लिए, दवाई के लिए, और यात्रा करने के लिए, और यहाँ तक कि शादी के लिए भी। पैसा होगा तो शादी होगी, बाकी कैसे होगी। तो अब बात आती है, मेन बात ये आती है दोस्तों, इन इमरजेंसी मनी इज द फर्स्ट थिंग विच इज मोर रिक्वायर्ड। आपातकाल में पैसा ही सबसे पहली चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइम खराब किनका चल रहा है, जिनके पास पैसे नहीं है। पैसा होगा तो आपकी इज्जत होगी, रेस्पेक्ट होगा। पैसा होगा तो आप किसी भी इमरजेंसी को भी बाहर निकल पाएंगे। अभी कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा। यू नो नंबर फोर पॉइंट इन फेवर ऑफ मनी, नंबर फोर पॉइंट ये होता है दोस्तों, मनी हैज मच मोर इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। आज के ज़माने में मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विद द यूज ऑफ मनी वी कैन फुलफिल ऑल डिजायर्स ईजीली। पैसा होगा तो हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे, माता पिता के सपने पूरे कर पाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर पाएंगे। पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यू नो अ लाइफ बिकम्स स्ट्रेसफुल, बोरिंग, रबीश, अनएंजॉयबल विदाउट मनी। इट्स अ बिटर ट्रूथ, ये कड़वा सच है दोस्तों। एक जिंदगी बन जाती है कैसी, स्ट्रेसफुल, तनाव, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, टेंशन, अंडर डेप्ट हो जाता है आदमी, कर्ज में डूब जाता है, तो आदमी का दिमाग नहीं लगता है, टाइम कैसी, टाइम खराब चल रहा है, और बोरिंग हो जाती है, डल, बेकार, और रबिस, घटिया लाइफ हो जाती है, अनएंजॉयबल। पैसा होगा तो एंजॉय कर पाओगे, किसके बिना, पैसों के बिना। तो गाइस, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट
इन फेवर ऑफ मनी, मनी के पक्ष में लास्ट पॉइंट क्या है? नंबर फिफ्थ पॉइंट इज दैट इन रियलिटी पीपल रेस्पेक्ट मनी नॉट टाइम। दोस्तों, आपके पास पैसा होगा तो आप लोग आपकी इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। समय समय तो आता है जाता, यू नो। इन टूडेज लाइफ एवरी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन मनी। आज के ज़माने की ये एक रियलिटी है, ये हकीकत है, ये कड़वा सच है। कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी संबंध है, वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, पैसे के ऊपर आधारित है। ये रियलिटी है। आप अपने घर वालों को पैसा दोगे, उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करोगे, तो आप उनके सामने हीरो बने, हीरो बन के रहोगे, और पैसा नहीं दोगे ना तो जीरो। तो आगे बात आती है दोस्तों, द टाइम कम्स एंड गोज बट अ गुड टाइम नीड्स मनी। समय आता है जाता है, लेकिन अच्छा समय किसे कहेंगे? जब पैसा हो। अच्छे समय के लिए पैसे की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ बिटर ट्रूथ दैट इफ यू हैव मनी देन यू विल बी रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी। ये कड़वा सच है, यदि आपके पास पैसा होगा तो समाज में आपकी इज्जत होगी, बाकी पैसा नहीं तो कोई मतलब नहीं, भिखारी बन जाओगे, भिखारी, यू नो। अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज टाइम इन पॉवर्टी इज वेरी पेनफुल। एक इंसान जो गरीबी में जिंदगी को गुजारा कर रहा है, बड़ा ही दर्दनाक होता है दोस्तों, बहुत दर्दनाक होता है। गाइस, इन कंक्लूजन, बोथ टाइम एंड मनी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। दोस्तों, समय और पैसा दोनों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी जिंदगी में। यू नो गाइस, विद द हेल्प ऑफ मनी वी मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। ऑन अदर हैंड, विद द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम वी कैन मेक मोर मनी। गाइस, पैसों के द्वारा हम अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बना सकते हैं, आरामदायक बना सकते हैं, ऐसी वैसी फिट कर सकते हैं, और समय का सही सदुपयोग करके हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बहुत आर इम्पोर्टेंट। फाइनली आई टेल यू व्हाट इज माई पर्सनल ओपिनियन। इन माई पर्सनल ओपिनियन, टाइम एंड मनी बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट माई लाइफ एक्सपीरियंस इज दैट टाइम विद मनी इज लाइक हेवन, बट टाइम विदाउट मनी इज लाइक हेल, हेल, हेल। ये मेरा जिंदगी का अनुभव है दोस्तों, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। समय के साथ यदि पैसा भी है, आपके पास कार है और पेट्रोल भी है, तो जिंदगी जियो मस्ती से। ओके, मनी इज लाइक फ्यूल। ओके, और तो आप जिंदगी को अच्छी तरह से स्वर्ग की तरह जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम तो बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा नहीं है, तो आपकी जिंदगी हेल, नरक की तरह है। कहने का मतलब, कार तो है, बाइक तो है, लेकिन पेट्रोल ही नहीं है, बैठे रहो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फाइनली आई विल टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो मोर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग फर्स्ट वीडियो, और प्रेस करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अगला वीडियो मिल सके। एंड दे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनली आई वॉन्ट टू टेल यू माई नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। कीप स्माइलिंग।